खान और आप रहे हैं हमारे साथ हमारे कुल किचन में। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है एक ड्रिंक, समर ड्रिंक है, इसको ग्रेप्स मोजीतो भी कहते हैं। तो चलें जी, आज आपको मैं ग्रेप्स मोजीतो बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए अंगूर हमें चाहिए 1/2 kg। आप इसमें 400 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं। ठंडा पानी हमें चाहिए, पुदीना चाहिए हमें एक छोटी प्याली, ज़ीरा चाहिए हमें 1/2 teaspoon, लेमन जूस चाहिए 3 tablespoons, आइस चाहिए या आपकी मर्जी के मुताबिक है, आपने ज़्यादा ठंडा पीना है तो ज़्यादा डाल लें, कम पीना तो कम, और 1/4 teaspoon इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon इसमें जाएगा पिंक सॉल्ट और 3 tablespoons इसमें जाएगी रेगुलर शुगर। तो ये आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, जो मोजीतो होता है ना उसमें जो है सोडा वाटर जाता है, उसमें मिंट लीव्स होते हैं, उसमें लेमन जूस होता है, इस वजह से इसे मोजीतो कहा जाता है। तो चले इसमें साथ में जाएगा सोडा वाटर, तो वो मैं साथ में ही ऐड करूँगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर में अंगूर डालेंगे, अब इसके बाद हम इसमें 2 cups ठंडा पानी डाल देंगे। साथ में हम इसके जीरा, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं, अब हम इसे क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका जो छिलका है वो अलग हो जाए और इसका जूस जो है वो अलग हो जाए। तो इसके लिए मैं एक बाउल में ये छलनी रखूंगी और ये सारा इसके अंदर डाल दूंगी अच्छे से। अब हम इसे सारा इसका अच्छे से जूस निकाल लेंगे। अब ये अच्छे से हम इसका ये सारा छिलका अलग कर देंगे और इसका जूस ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इसको भी आप चेहरे पे लगाएं तो ये बड़ा अच्छा आपका मास्क बनता है। अब वापस ये मैं ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसको दोबारा से हम इसमें रखेंगे। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी, चीनी, नमक और काली मिर्च इसमें ऐड करूंगी। और ये पुदीने के थोड़े से पत्ते इसमें जाएंगे और पहले हम इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे, फिर हम इसमें आइस डालेंगे। आइस डालेंगे, इसको दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे। क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना लेना है, उसको हम इसमें डाल के अच्छे से कूट लेंगे मोटा मोटा इस तरह से। जी, अब हमने
इसे मोटा मोटा कूट लिया था, ये एक ग्लास के अंदर जाएंगे, डालेंगे और थोड़ा सा इस ग्लास के अंदर डालेंगे। इस तरह से थोड़ी सी आइस ऐड करूंगी, और फिर इसमें ये नींबू के स्लाइस, और उसके बाद अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। ये अब फिर उसके बाद मैं इसमें ग्रेप्स मोजिता वो डाल दूंगी। एक में मैंने सारा डाला है और एक में मैं ये सोडा वाटर ऐड करूंगी। अब बॉटल डालने कुछ भी ले लें, ये देखें, क्योंकि जो मुझी तो होता है उसमें सोडा वाटर जाता है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और जी ये हमारा ग्रेप्स मोजिटो रेडी हो चुका है, और ये मैंने आपके सामने इसको ग्लास में पोर किया है। आप इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो ये है कि अगर आप हाली ग्रेप जूस पीना चाहें तो उसके लिए आपको बीच में सोडा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जस्ट इसी तरह से ब्लेंडर में सारा कुछ डालें और ब्लेंड करके उसको पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।